जी हाँ, मैं हूँ खलनायक मुन्ना भाई। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, कुछ कलाकारों की कला जन्म से ही दिखाई देती है या यूं कहें कि उनके खून में होती है। वैसे ही एक कलाकार हैं जिन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत बहुत ही छोटी सी उम्र से की, पर उस उम्र में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और फिर छोटी सी उम्र में ही फर्श से अर्श तक का सफर तय किया कि बॉलीवुड के पन्नों में इतिहास रच दिया। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक मुन्ना भाई। नायक बनने की तमन्ना हर किसी में होती है, पर संजय दत्त एक ऐसा नाम जिसने नायक नहीं बल्कि खलनायक बनकर न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया है। बी टाउन में खलनायक को अपनी खलनायकी का सिक्का जमाना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और इन सब के बावजूद इंडस्ट्री में एक ही मुकाम पाया और कुछ इस तरह पांव जमाया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। लारे लो मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड एंड होल्ड, आई एम बिजी। हाँ, सफलता इंसान को कई तकलीफों और मुश्किलों से गुजरने के बाद मिलती है। एक कामयाब हीरो वही होता है जो हर तकलीफ सहकर और उसका सामना करके दोबारा अपने काम पर वापस लौटे। जब भी कदम लड़खड़ाए तो कुछ यूं उठे कि पहले से भी ज्यादा ऊंचा उठे। ऐसा ही कुछ किया संजय दत्त ने। 13 साल की उम्र में फिल्म रेशमा और शेरा में एक बाल कलाकार की भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले संजय दत्त की बतौर हीरो एंट्री 1981 में फिल्म रॉकी से हुई, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के बाद ही उनकी मां नरगिस की मौत ने उन्हें इसका जश्न मनाने का मौका नहीं दिया और वे दुख के समंदर में डूब गए। संजय इसके बाद ड्रग्स के चंगुल में फंसते चले गए, जिसकी वजह से कई फिल्में छूट गईं। लेकिन जल्द ही संजू बाबा ने इस गंदगी के भंवर से अपने आप को निकाला और 80 व 90 के दशक में विधाता, जीवा और ताकतवर जैसी कई हिट फिल्में भी दी। इतना ही नहीं, यंगस्टर संजू के स्टाइल के दीवाने होते चले गए और 1951 में आई फिल्म साजन से संजय दत्त ने बॉलीवुड में कामयाबी का परचम लहराया, जिसके बाद संजू बाबा को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है जो चंद पलों में अपना खेल दिखा जाता है, किसी को राजा बनाकर तो किसी को राजा को दूसरे का मोहताज बनाकर। संजय दत्त भी बॉलीवुड का एक ऐसा ही नाम है जिसे शोहरत मिली, पर जब मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो चंद पलों की भी मोहलत ना मिली। एक दौर था जब संजय दत्त की किस्मत के सितारे बुलंदियों पर थे। उस दौर में वो वक्त भी आया जिसने संजय दत्त की जिंदगी को नए मायने दिए। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक।
खलनायक में संजय दत्त को एक दमदार किरदार निभाने के लिए दिया, जिसमें संजय दत्त ने अपनी अदाकारी के जौहर से चार चांद लगा दिए। क्यों, कुछ सबक मिला? पहले ये बता कि उसने मुझे क्यों मारा। उसने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने पुलिसमैन को मारा। तो फिर कह दो उसको कि बल्लू ने पुलिस वाले को भी मारा। लेकिन फिल्म के रिलीज के दौरान ही उन्हें टाडा के तहत अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। कितने खिलौनों से खेला है तू, अफसोस फिर भी अकेला है तू। नायक नहीं। ये वो ही समय था जो शायद संजय दत्त की जिंदगी का सबसे कठिन दौर कहा जा सकता है। काफी लंबे इंतजार के बाद उन्हें 1995 में रिहा कर दिया गया। खलनायक हूँ मैं। इसके बावजूद भी उनके परेशानियों का खात्मा नहीं हुआ। सन 2006 में संजय दत्त ने कबूल कर लिया कि उन्होंने कुछ हथियार गैर कानूनी ढंग से रखे थे, जिसके लिए उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। नायक नहीं। संजय दत्त ने ऐसे किरदार को निभाया जो पहले तो अच्छा होता है पर हालात उसे बुरा बना देते हैं। दुर्भाग्यवश इसी दरमियान वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब इसे संयोग कहें या किस्मत, संजय दत्त की गिरफ्तारी और असल जिंदगी में खलनायकी के किस्से ने फिल्म खलनायक को उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बना दिया। इस फिल्म ने एक नए संजय दत्त को जन्म दिया जो पहले से कहीं ज्यादा समझदार और कहीं ज्यादा जिम्मेदार था। इसके बाद संजू बाबा की कई फिल्में हिट साबित हुई। 1999 में बनी फिल्म वास्तव ने उन्हें करियर की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। क्या अंकल, कैसा है तबीयत पानी? अच्छा, तो ये लड़का है? अच्छा है, क्या बोलते रहे उसको? स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय। यही नहीं, अग्निपथ को मिले जबरदस्त रिस्पांस और कांचा चीना की पॉपुलैरिटी ने उन्हें नई मंजिल और नए मकाम से रूबरू कराया। प्यार जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, संजय दत्त को भी कई बार प्यार हुआ, पर सही मायने में कौन था संजय दत्त की जिंदगी बदल देने वाला प्यार, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक मुन्ना भाई। इम्तिहान की ये कहानी नहीं है, ये जिंदगानी है संजय दत्त की। यूं तो संजय दत्त की लाइफ में कई मोहतरमाएं आईं, पर एक शख्स ऐसा है जिसने उन्हें जाना, पहचाना और समझा, उनके परेशानियों को साथ मिलकर सहा। आइए आपको बताते हैं कौन है वो, और साथ ही आपको दिखाते हैं उनकी अनोखी लव स्टोरी के बारे में। वो कल भी बाबा था, आज भी बाबा है और कल भी बाबा ही रहेगा।
संजय दत्त को लोग आज भी बाबा सिर्फ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनके फौलादी जिस्म में एक बच्चा छिपा है। संजय दत्त को करीब से जानने वाले उन्हें आज भी एक नादान बच्चा कहते हैं। बोले तो मास्टर में मास्टर भी बोले तो भी बोले तो बिंदास डॉक्टर। एक बच्चा जिसने बचपन से ही कई सारे दुखों का सामना किया है, कम उम्र में ही ड्रग्स का आदी हो गया, जेल की सलाखों के पीछे गया और साथ ही साथ वो स्टारडम भी देखा जो कम लोगों को ही नसीब होता है। संघर्ष और इम्तिहान की ये कहानी नहीं है, ये जिंदगानी है संजय दत्त की, जिसकी जिंदगी में बहुत से अहम पड़ाव आए पर उनकी प्रेम कहानी ने एक अलग ही मुकाम पाया। ये वो लव स्टोरी है जिसमें असली हंगामा दो प्रेमियों की शादी के बाद हुआ। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। फिल्म रॉकी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले संजय दत्त की पहली शादी 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई। इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हुई जिसका नाम था त्रिशाला। शादी के कुछ साल बाद संजय और ऋचा अलग हो गए और ऋचा अपनी बेटी को लेकर अमेरिका में अपने माता पिता के साथ चली गई। इस बीच संजय दत्त को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की। लेकिन कहते हैं 1990 में फिल्म थानेदार की शूटिंग में संजीव बाबा माधुरी की मुस्कान पर फिदा हो गए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो। इस फिल्म के बाद ये सुपरहिट जोड़ी साजन में एक बार फिर से दिखाई दी और इस फिल्म के बाद हर किसी की जुबान पर माधुरी और संजय का नाम छा गया। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक माधुरी और संजय अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ता इससे पहले संजय दत्त की जिंदगी में एक और तूफान आ गया। आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। 19 अप्रैल 1953 को संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके दो महीने बाद 5 जून 1953 को माधुरी और संजय की फिल्म खलनायक रिलीज हुई जो बहुत बड़ी हिट रही। संजू बाबा 16 महीने जेल में रहे लेकिन माधुरी एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। संजय दत्त फिर से अकेले पड़ गए। फिर उनकी जिंदगी में आई मॉडल रिया पिल्लई। उनके मुश्किलों भरे वक्त में भी रिया ने संजय का बहुत साथ दिया और ये बात संजय दत्त के दिल को छू गई और संजू बाबा ने रिया को प्रपोज कर दिया। फिर इन दोनों ने 1998 में शादी कर ली। कुछ साल तो सब ठीक ठाक चलता रहा लेकिन फिर संजय दत्त की नजदीकियों की खबरें एक पाकिस्तानी हसीना नाडिया दुरानी के साथ आने लगी। इसके बाद ये दोनों अक्सर मिलने लगे। 2002 में संजय और उनकी दूसरी पत्नी रिया अलग हो गए लेकिन इस कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। संजय दत्त एक हसीना के साथ पूरी मीडिया के सामने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में पहुंच गए। यह हसीना कोई और नहीं बल्कि मान्यता थी। संजय और मान्यता एक दूसरे के बेहद करीब दिख रहे थे। हर कोई मान्यता के बारे में जानना चाहता था। मान्यता 2003 में प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल में एक आइटम नंबर कर चुकी थी। संजय और मान्यता के प्रेम की खबरें जोरों शोरों से आने लगी। इस प्रेम कहानी में कई तरह की अटकलें भी लगाई गई, यहाँ तक कि उनकी शादी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया पर संजू बाबा ने सबको नकार दिया। संजय दत्त पर अब पूरी तरह से मान्यता का कंट्रोल हो गया था। 2008 में संजय की दूसरी पत्नी रिया से उनका तलाक भी हो गया। अब सबको यही लगा कि संजय जल्द ही मान्यता से शादी कर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। आखिरकार 11 फरवरी 2008 को उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और फिर ये दोनों एक हो गए। आज मान्यता और संजय दत्त के दो बच्चे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक मुन्ना भाई। हर मैदान फतेह।
में हर माँ बाप की तरह संजय दत्त को भी नरगिस और सुनील दत्त बाबा कहकर पुकारते थे, पर तब ये नहीं पता था कि ये बाबा देखते ही देखते करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगा। आज संजय दत्त इंडस्ट्री का वो नाम है जिसकी रियल लाइफ को रियल लाइफ पर लेकर आए राजकुमार हिरानी। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोला इसका चैप्टर क्लोज्ड, लेकिन हुआ क्या, उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी और युवा दिलों की धड़कन अभिनेता रणबीर कपूर पहली बार साथ मिलकर संजय दत्त की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को फिल्म संजू के जरिए बिग स्क्रीन पर ला रहे हैं। कब दिन होता था कब रात, नो आइडिया। पुलिस वालों ने छापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़िया भी पहनी, हथकड़िया भी, 308 और एक AK-56 राइफल। ए, क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते, छोटे तू स्टार्ट कर। फिल्म के ट्रेलर को देखकर साफ दिख रहा है कि एक इंसान जिसे माँ बाप ने दिया संजय बलराज दत्त नाम, पर देखते ही देखते बचपन की शरारतों ने बड़ा रूप ले लिया। उम्र बड़ी पर दिल बच्चा ही रह गया और ये संजू बाबा बन गया। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ। आपके पास AK-56 थी? नहीं सर, बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार पर इस बाबा ने जिंदगी में क्या नहीं किया। माँ को खोने के बाद जिंदगी का तख्ता कुछ इस तरह से पलटा कि नायक बनने चला नौजवान खलनायक बन गया और हर फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाते निभाते ऐशो आराम वाली जिंदगी ने संजू को सब कुछ दिया। हमारे गांव में ना एक कहावत है, घी छे तो घपा घप छे, घी मतलब पैसा और घपा घप सेक्स। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। संजू मंगलसूत्र कहाँ है? Where is my bloody मंगलसूत्र? मुझे कुछ नहीं पता था बमलाश के बारे में। पर वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन बुराई का अंत हो ही जाता है। अच्छे वक्त में तो सब साथ देते हैं, पर बुरे वक्त में तो अपनों का भी साथ छूट जाता है। संजू के बुरे वक्त में भी कई अपने दूर हुए, पर संजू की झप्पी ने दर्शकों को अपने से दूर नहीं होने दिया। यही दर्शकों का प्यार ही है जो मरते मरते बाबा को फिर जिंदा कर गया। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। दादा पॉट से पानी आ रहा है, दादा प्लीज हेल्प। टाइगर है तू, टाइगर रोल, क्या नहीं है रोल। बाबा किधर है यार, तू शॉट रेडी है? अरे बहुत 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 ट्रैफिक है। ए मोहम्मद चक्कर, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? उसको 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 हटा। अरे टैक्सी को हटाना। बाबा बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी हाँ!